को मास्क पहनना पड़ता है। चलो देखते हैं। मुझे छुट्टी के दिन ही बीमार होना था क्या? ऐसा स्कूल के समय में क्यों नहीं होता है? और ऐसे ही मारुको को अपनी छुट्टी बिस्तर में लेटकर बितानी पड़ती है। और अगले दिन इसका पारा तो कम हो गया है, अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अच्छा, तुम देखने में भी अब ठीक लग रही हो, शायद तुम अब स्कूल जा सकती हो। मुझे और एक दिन चाहिए। अच्छा, हाँ एक दिन रुक जाना सही होगा। मारुको, तुम स्कूल नहीं जाओगी? हाँ, मैं पहले ठीक होना चाहती हूँ। लेकिन आज तो स्कूल में पुडिंग मिलने वाला था बेचारी। पुडिंग? शायद मैं स्कूल जा सकती हूँ। लेकिन बेटा, तुम सच में जाना चाहती हो? अब अचानक मुझे अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल में पुडिंग कभी कभी ही मिलती है, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। मारुको, हो सके तो इसे पहन लो। ये लो। मुझे इसे नहीं पहनना है मम्मी। लेकिन तुम फिर से बीमार पड़ सकती हो, मास्क पहनने से ऐसा होने की संभावना कम हो जाएगी। चलो इसे पहन लो जल्दी। तामा-चान, गुड मॉर्निंग। मारु-चान, हेलो। बुखार हुआ है? अच्छा, ये तो मम्मी ने जबरदस्त पहनाया है। मेरा बुखार तो ठीक हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। साकुरा-सान, तुम्हें बुखार है? तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा मेहनत मत करना। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब कितने अच्छे हैं। इन सब की बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। इस गांव से बहुत दूर एक पहाड़ पे गोन लोमड़ी नामक एक लोमड़ी रहती थी। लगता है सर ने मुझे सोते हुए देख लिया। साकुरा-सान, तुम कुछ बीमार लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है? मैं ठीक हूँ। मुझे तो क्लास के दौरान नींद आने लगी थी। और उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा, साकुरा-सान। नोकुचि-सान, तुम्हें पता है मास्क पहनने के ऐसे बहुत फायदे हैं। सच में? इससे तुम्हारा शरीर गर्म रहता है। हाँ, मुझे तो गर्मी लग रही है। लेकिन असल बात है कि सब समझ जाते हैं कि तुम बीमार हो। मुझे घर में उबला हुआ सादा खाना खाना पड़ रहा था, लेकिन ये खाके मजा आ गया। तुम्हें अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, ये देखकर अच्छा लगा। कितना टेस्टी है, अच्छा है, मैं आज स्कूल आई। हनावा-कुन, हिदे अंकल। आइए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मारुको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। क्या सच में? इसमें चौंकने की क्या बात है, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज मेरा लकी दिन है। हनावा-कुन, शायद मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए। क्या बात है? वम्बिकी-वा-सान। साकुरा-सान, तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तभी तुमने ये मास्क पहना है ना? लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आज तुम्हें बाल बाल बच गई। ये कितना आरामदायक है। वैसे मास्क पहनने के तो सच में बहुत सारे फायदे हैं। मैं घर आ गई। हेलो बेटा। मारुको, अब तुम कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, और आज रात जल्दी सो जाना। हाँ,
वाह, ये कितने टेस्टी दिख रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? आज हमारे घर तुम्हारी दीदी के कुछ दोस्त आने वाले हैं। लेकिन ये तो गलत है मम्मी, मुझे भी इसे खाना है। मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी बना देती हूँ। लेकिन मुझे कुकीज ही चाहिए। अभी अभी तो तुम बुखार से ठीक हुई हो, इसीलिए तुम्हें कुछ हल्का खाना चाहिए। उसे बिल्कुल मत खाना समझी। पहनकर छुप छुप के बहुत कुछ खा सकते हैं। घर पर कोई है? आज मैंने मारू चैन को मास्क पहनकर स्कूल जाते हुए देखा था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ लाया हूँ। अरे आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? यप्पी, ससाकी दादाजी आपका शुक्रिया। मास्क पहनने के और भी फायदे नजर आ रहे हैं। अब तो मुझे मास्क बहुत पसंद है। और रविवार के दिन मुझे कहीं बाहर लेकर चलिए ना पापा। मुझे परेशान मत करो, कहा ना नहीं, मैं आज घर बैठकर आराम करना चाहता हूँ। लेकिन पापा, कम से कम मार्च के दिन तो मुझे एंजॉय करना चाहिए। पिछले हफ्ते तो मैं बीमार पड़ गई थी और इस हफ्ते मुझे उससे दुगना मजा करना है। मारुको, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? हाँ जरूर। सुनिए दादाजी, आपका काम हो जाने के बाद हम होटल जाकर अच्छा खाना खाएंगे। हाँ जरूर बेटा। आइए, आप यहाँ बैठ जाइए। अरे आपका शुक्रिया। अरे बेटा, क्या तुम बीमार हो? आओ यहाँ आकर बैठो। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। तुम्हें इस हाल में खड़े रहना नहीं चाहिए। अरे लेकिन। अरे नहीं नहीं, परेशान मत हो, मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगी। प्लीज यहाँ आकर बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, आपका शुक्रिया आंटी। मारुको, क्या हो गया? दादाजी, वो आंटी, उन्हें लगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे उनकी सीट पर बैठना नहीं चाहिए था। अरे लेकिन तुमने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया? वो तो है, लेकिन उन्हें खड़े होने में परेशानी हो रही थी और मैं उनकी सीट पर आराम से बैठी हुई थी। मारुको, उनके लिए तुम्हारी चिंता देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वो औरत तुम्हें जरूर माफ कर देगी। क्या सच में? तुम अगले बस ट्रिप में किसी और को अपनी सीट दे देना। बैठना है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे, आउच, जोर की लगी। मारुको, तुम ठीक तो हो ना? उसे बुखार से ठीक होने की खुशी तो है, लेकिन उसे मास्क पहनकर मिलने वाली उन सभी सुविधाओं की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मारुको इन अभियानों से परेशान है, चलो देखते हैं।
सच कहूँ तो आप सबके समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मारू ओसुयो आगे भी आपके क्लास का मॉनिटर रहूंगा और आप सबकी आशाओं को पूरा करने के लिए मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। मारुओ कुन तो फिर शुरू हो गया। और अब से मैं इस क्लास को और अच्छा बनाने के लिए इन सारे वादों को पूरा करूंगा। हमारी क्लास अब से पढ़ाई और खेलकूद दोनों में फर्स्ट रहेगी। ये अभियान के दौरान भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। सभी लोग ध्यान से सुने, मैंने ही आपसे ये सारे वादे किए थे और अब इस क्लास का मॉनिटर बनने के बाद हमें मिलकर अपने इस लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई है जिसे हमारा साथ देने में परेशानी है तो उसे मारुओ कुन की कड़ी निंदा का सामना करना पड़ेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। नहीं, अब बहुत हो गया। मारुओ कुन तो अब सच में हद पार करने लगा है। वो तो बहुत सारे वादे कर रहा है, लेकिन वो इसे पूरा करेगा। नहीं नहीं पापा, मारुओ कुन किसी भी हाल में उन वादों को जरूर निभाएगा और इसी चीज से मैं परेशान हूँ। लेकिन अब ये सब कहने से क्या फायदा, उसे तुम लोगों ने ही तो चुना है। तो फिर मम्मी, क्या आप इसे निभा सकती है? जरा देखने दो, हमारी क्लास अब से पढ़ाई और खेलकूद दोनों में अव्वल रहेगा। हाँ, मैं ये निभा सकती हूँ। देखो, मैं भी तो घर के कामों में अपना पूरा जोर लगा देती हूँ। ऐसा है क्या? लेकिन मम्मी, अगर आप ऐसा करती तो आज खाना स्वादिष्ट होता। सही कहा। अब मारू को तुम भी न। और अगले दिन। गुड मॉर्निंग। मारू-चान, हेलो। तुमने अपना होमवर्क किया? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं मारू कुन को और झेलना नहीं चाहती हूँ। वाह, आज तो सभी बच्चों ने अपना होमवर्क किया है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत खुशी की बात है। क्या बात है, ये मारुओ कुन की वजह से हुआ है। हाँ, क्योंकि उसकी नजर हमेशा सब पर होती है। लेकिन अगर हम उन सभी वादों को पूरा करते तो हमारी क्लास सच में अव्वल हो जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। यमाने-कुन, तुमने अपनी सारी सब्जियाँ खा ली, ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, मुझे तो पहला गाना सबसे अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, क्या कहते हो? दूसरा गाना ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसने उससे बिना डरे अपनी मन की बात खुलकर कही। वाह, ये तो अच्छी बात है। हम सब की मेहनत को देखकर मारुओ हमेशा हमारी तारीफ करता रहता है। विश्वास नहीं होता, पिछले 3 दिन से उसकी बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब अब इसका असर कम होने वाला है। देखो, लोग कहते हैं कि 3 दिन के बाद हम हर चीज से ऊब जाते हैं। ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, असल में तुम जैसे लोगों के कारण ही ऐसा होता है। पापा, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो भी हो, अगले दिन। ईरो सरकार के अंतर्गत सामुराई लोगों को। मारू-चान, मारू-चान। तुम दोनों अच्छे से सुनो, तुम दोनों ने क्लास के दौरान सोने की हिम्मत कैसे की? मैंने पहले ही ये सबको कह दिया था कि अब इस अभियान के वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी पूरे क्लास की है, फिर भी तुम दोनों बेफिक्र होकर कैसे सो सकते हो? अब तो लगता है पापा सही कह रहे थे, मुझे माफ कर देना, कल रात में बहुत देर से सोई थी। अब बस भी करो। हा? तुम इन नियमों को खुद क्यों नहीं मानते? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अभियान के वादे। लेकिन मैं भी तो उन सब का पालन करता हूँ। अच्छा देखो मारू, इस क्लास को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अच्छा होना है, लेकिन तुम उसमें बहुत कमजोर हो। मुझे याद है पिछली बार हमें तुम्हारी वजह से टीचर से डांट भी पड़ी थी। नहीं, ऐसा मत कहो। मारुओ कुन को तो बहुत बुरा लगा
वो क्या कर रहा है? देखो, मिसावा उनकी बातों को सुनकर वो कसरत करने की कोशिश कर रहा है। अरे मारुओ को ये उन वादों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो क्या हाल है, तुम सबने क्या सोचा? लेकिन अब तक तो हम कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। नागासावा-कुन, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बातों का सभी मिलकर विरोध करेंगे। अरे ऐसा मत कहो, अगर तुम ऐसा कहोगे तो हम इस अभियान के दूसरे वादे को कैसे पूरा करेंगे? मारुओ-कुन, तुम हमेशा उन वादों की बातें क्यों करते हो? क्योंकि ये मेरा फर्ज है, और जो भी हो जाए मुझे किसी भी हाल में अपने सभी वादों को पूरा करना है। मैंने पहले ही बहुत कुछ खोया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने तो जिंदगी से यही सीखा है कि सभी वादों को पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी बात को लेकर अड़े हुए हो। अरे वाह, क्या बात है फुजिकी-कुन, तुमने स्कूल के बाद रुककर पढ़ने का फैसला किया। इसी जोश के साथ हम अपने अभियान के पहले वादे को पूरा कर सकते हैं। मेरे घर पर कोई नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम हर चीज उस वादे को निभाने के लिए करते हैं? मारुओ-कुन तो सच में आज बहुत ही परेशान लग रहा है। और अगले दिन अब मुझसे नहीं होगा, ये दाग निकल ही नहीं रहा। हे, चलो घर चले नकजमा। है? क्या कहा, तुम काम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन ये साफ ही नहीं हो रहा। तुम उसे और जोर जोर से खींचो। तुम खुद क्यों नहीं करती? क्या कहा? नहीं नहीं मिसावा-कुन, अपने अभियान के दूसरे वादे को पूरा करने के लिए हमें अपने किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? एक बात जान लो, हम बस उस कैंपेन के वादे की वजह से ही तुम्हारी बात सुन रहे हैं। क्या? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता है कि तीसरा वादा अपनी राय देना है, और मैं उसी वादे को अच्छे से निभा रहा हूँ। इसने सही कहा, हमारी राय में हम ये काम नहीं करना चाहते। सही कहा। फिर मेरी बात भी सुन लो, ऐसी बातों को ही हम विद्रोह कहते हैं। लेकिन हमें अपना दूसरा वादा निभाना है, जो कि अपने क्लास को हार ना मानने वाली क्लास बनाना है। क्या तुम्हारा मतलब दूसरा वादा तीसरे वादे से ज्यादा जरूरी है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये कोई बात नहीं हुई, और वैसे भी उन वादों का रचयिता कौन है? यही तो है। हम जा रहे हैं। नहीं, हमने इसे यहाँ इकट्ठा किया था। सुनो बेवकूफ लड़को, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? तुम अभियान के वादों का फायदा उठाकर बच नहीं सकते। अच्छा सुनो सकुरा, क्या तुम मारुओ की तरफ से हो? क्या? मैं समझ गया, तुम मारुओ को पसंद करती हो ना? क्या? तुम क्या कह रहे हो? अरे बोलो ना। अपनी बकवास करना बंद करो। सकुरा-सान, मुझे खुशी है कि तुम मेरी तरफ से हो। चलो अब हम दोनों मिलकर इस अभियान के वादों को निभाने की कोशिश करेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे परेशान मत करो। मुझे माफ करना, तुम ठीक हो ना? अरे कोई बात नहीं सकुरा-सान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात नहीं, इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम सबको ये दिखा दूंगा कि मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानता। इसके लिए मुझे एक बाल्टी चाहिए। मुझे माफ कर देना, वहाँ पर वो कपड़ा मैंने ही फेंका था। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बस थोड़ी सी चोट लगी है।
पता है मारुओकुन, मिसावा और बाकी सब फिर से साफ सफाई करने वाले हैं। क्या सच में? आखिरकार तुम सबने अपना मन बदल लिया, अब तुम सब इन वादों को पूरा करने में मेरे साथ हो। मेरे दिमाग में अभी अभी एक और वादे का आइडिया आया है। एक और वादा? बस ऐसा मत कहना कि हर रोज क्लास में क्विज कंपटीशन होगा या ऐसा कुछ। नहीं नहीं, सच कहूँ तो हमें क्लास में मित्रता बढ़ाना है। ये वादा कैसा रहेगा? क्लास में मित्रता को बढ़ाना है? मारुओकुन, तुम तो सच में इस क्लास को फर्स्ट बनाकर ही छोड़ोगे। हाँ। इन सभी वादों को पूरा करने में अभी बहुत समय लगेगा। मारुको भी देख सकती है कि मारुओकुन इस क्लास को अव्वल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है।